बलिदान देना होगा। हाय सर एंड वेलकम टू द क्विंट। जो जितनी भी एपिसोड मैंने देखे सेकंड गेम सीजन टू में, उन आपका जो किरदार है गुरुजी, इज अ वेरी इविल कनिंग गाय, पता नहीं चलता बट है, इट्स लाइक एन अंडरकरंट। तो वही तो आप थोड़े तीन एपिसोड में तय नहीं कर सकते, पता नहीं चलता पर है, कैसे आपको मालूम, नहीं भी हो सकता है आगे चल के। तो यही तो बढ़िया बेहतरीन राइटिंग की खासियत है कि किसी किरदार को आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। पर पहली सीजन में जो आई थिंक यू शॉट फॉर ओनली अ डे ऐसा कुछ था, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट, तो क्या आपको पता था दिस वाज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड इनटू द सेकंड सीजन? हां बिल्कुल बिल्कुल पता था, वरुण ने कहानी बताई थी आगे की, ऐसा कुछ आगे हम लिखेंगे। सीजन वन के बहुत सारे सवाल हैं ऑडियंस के मन में, उनका आंसर होगा सीजन टू में। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा जहाँ आपने कहा कि आप खुद ही नेटफ्लिक्स या अमेजोन के ज़्यादा शोज नहीं देखते हो, तो व्हाट डू यू वॉच देन जनरली? नथिंग, पिछले दो साल से मैं कुछ नहीं देखा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास समय नहीं है। 365 दिन में 350 दिन शूटिंग कर रहा हूँ इन दिनों, दो साल से पिछले, तो वक्त नहीं मिल पाता है। बट यू फील लाइक जब अब यू गेटिंग वेरी हाई क्वालिटी वर्क दैट यू विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू, और आप अभी सिलेक्टिव करोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इतना काम कर रहे हो तो आर यू फाइंडिंग एवरीथिंग चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही बर्नआउट होने की स्थिति में हूँ। असल में क्या है ना, उसके पीछे दोस्त मैं भी सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जो आपका सवाल है एक महीने पहले मेरे मन में था। तो आई थॉट कि वो 14-15 साल स्ट्रगल के वक्त में काम पाने के लिए इतने भागे हैं ना कि अब जो आ रहा है लगता है अरे कैसे मना करना। सूखा हो आपका गाँव या आपका शहर तो बाढ़ आ जाए तो पहला हफ्ता अच्छा ही लगता है कि पानी आया तो सही, थोड़े ज़्यादा ही, बट डैमेज बाढ़ भी करता है जितने सूखे का होता है। तो नाउ मैं अवेयर अब हो रहा हूँ कि थोड़ा रुक के करते हैं। Do you think आप एक पॉइंट पे ही आ सकते हो जहाँ पे आप साल में सिर्फ एक फिल्म करो एंड गिव इट योर बेस्ट? मुझसे तो होगा नहीं है, क्योंकि मैं घर पे बैठा नहीं जाता, मुझसे मेरी दूसरी प्रॉब्लम वो भी है। देखो हिंदुस्तानी कंटेंट में आप हर काम ग्रेट नहीं कर सकते, डिजिटल पे तो फिर भी बेहतर हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पे। तो एक बैलेंस बना रहता है कि अगर दो काम बहुत मीनिंगफुल किया तो दो कमर्शियल स्पेस के भी फिल्में करनी चाहिए। तो मैं सब कर रहा हूँ, मैं इंडी स्पेस, कमर्शियल, नेटफ्लिक्स, हर जगह हूँ। कमिंग बैक टू द शो, की व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर? आई थिंक नीरज हैज डायरेक्टेड, मेरा हमारा ट्रैक नीरज अनुराग और थोड़ा सा नीरज के साथ कुछ दिल। एक तो आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग के साथ मैं कर रहा था, जो मुझे बेहद पसंद है वो बतौर डायरेक्टर। दूसरी थोड़ी रिस्क थी यार इस रोल में ना, मैं इतनी भागदौड़ के बावजूद पहला किरदार है जिसमें मैं 7 दिन के लिए मैं ऑलमोस्ट अपने घर में कैद हो गया था, क्योंकि ये गुरुजी के साइकी में, उनके मेंटल स्टेट में जाना कठिन काम है। ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है जो मैंने नहीं देखी है, मेरे पास इस दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है जो गुरुजी का वर्ल्ड है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा फोकस्ड होना था, तो पहली बार मैं 6-7 दिन घर में बैठ के पढ़ता रहा, सोचता रहा। फिर काफ़ी इनके लंबे लंबे सोलोलोकी हैं सीरीज में कई जगहों पे, तो उसकी प्रिपरेशन करता रहा। लास्ट ईयर से आई थिंक सब इस शो का सब मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे लोग अपना सीक्रेट गेम 2 कब आएगा, गुरुजी मेरा नाम ही रख दिया था सब लोगों ने। तो इतने सवाल इतने लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे, यहाँ वहाँ, जितनी ऑडियंस एक्साइटेड है उतना ही मैं भी हूँ फीडबैक जानने को। आप इंटरेक्ट करते हो ट्विटर पे, लाइक डू यू यूज़ इट? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कभी वक्त मिलता है तो करता हूँ। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव ही नहीं हूँ, मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ, और मुझे कोई या किसी ने बताया कहीं से, कह रहे सुनो, तो मुझे तो बताते हैं दूसरे लोग। शत्रुघ्न सिन्हा मुझे एक दिन मिले और बोले बहुत अच्छा कर रहे हो तुम और कमाल करते हो, मैंने न्यूटन के टाइम ट्वीट किया था तुम्हें। मैं ऐसे ब्लैंक कि अच्छा मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद सेट पे पहुंच के मैं खोजा वो ट्वीट 6 महीने पहले का, फिर मैंने उनको थैंक यू सो मच सर किया, तो मेरा नहीं मालूम चलता है कई बार। होप इस बार जो ट्विटर पे मेंशन आएंगे वो आप पढ़ेंगे और एंड यू विल सोक इन ऑल द प्रेज। समय मिलेगा तो पढ़ूंगा, अभी तक मैंने आदमी नहीं रखा है पढ़ने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, इसलिए नहीं। सोशल मीडिया मैनेजर होते ना लोगों के? हाँ बट मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, साधु आदमी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।